फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो आज है 21st of June एंड आज है इंटरनेशनल योगा डे। सो हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। एंड अभी बज रहा है 1 o'clock दोपहर के एंड मैंने जस्ट अभी गुलाब जामुन खाए ही। इतने मस्त टेस्टी एंड डिलीशियस थे ना। वैसे अगर आपको मैं कुछ मॉर्निंग की अपडेट्स दे दूँ तो आज मैंने मॉर्निंग में फिटनेस में किया योगा। वैसे फ्रेंड्स, बहुत से लोगों ने एक चीज़ का कन्फ्यूजन है, मतलब अभी ना बहुत से कमेंट्स में अभी भी आता है, तो मैंने सोचा एक बार फिर से आप लोग का ये कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर दूँ। तो वो ये है कि जैसे कि आज है योगा डे, मतलब आज 21 June है, तो वो व्लॉग आएगा कल। मतलब आप ये जो व्लॉग देख रहे हैं ना, वो है 21 June को जो मैंने बनाया है वो। फिर 22 June को मैं जो बनाऊंगी वो आएगा 23 June को। तो इस तरह से मैं आज जो करूंगी वो कल आएगा, इस तरह से होता है अपलोड। तो इसी तरह से अपलोड हो पाएगा ना फ्रेंड्स, क्योंकि हम व्लॉग सुबह अपलोड करते हैं। सो इट्स लाइक दैट फ्रेंड्स। सो आई होप अभी जिन जिन लोगों का ये कन्फ्यूजन था उनको क्लियर हो गया होगा। खास करके जब संडे का व्लॉग मंडे को अपलोड होता है ना, तो कमेंट्स में बहुत से लोगों का होता है कि दी आज तो मंडे है, आज तो संडे नहीं है। तो मैंने सोचा एक बार बता दूँ। एंड येस फ्रेंड्स, योगा इम्प्रूव्स अवर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इतना ही नहीं, बहुत से और बेनिफिट्स है योगा करने के। तो एंड योगा के बाद मैंने कर ली थोड़ी सी स्किन केयर। उसके बाद जस्ट सेम रूटीन लाइक ब्रेकफास्ट, स्टडी, देन लंच एंड ऑल दैट। लंच एक्चुअली ना आज मैंने थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी कर लिया, क्योंकि आज मैं उठी थी 6:45 AM को। तो लाइक ब्रेकफास्ट भी थोड़ा जल्दी किया, तो लंच की भी भूख थोड़ी जल्दी लग गई। एंड एज ऑलवेज लंच तो रेडी ही था। तो लंच में आज था मूंग दाल, राइस एंड ये सब। इतना मस्त टेस्टी था। उसके बाद मैंने किया थोड़ा सा वॉकिंग एंड मुझे ना उसके बाद थोड़ी सी नींद आ रही थी, तो एक छोटू सा नैप ले लिया, यहाँ पर सोफ़ा पर ही लिया। एंड जब मैं उठी तब मम्मा ने मुझे गुलाब जामुन से भरा पड़ा एक बॉल दिया। मतलब इतने ठंडे ठंडे स्वीट स्वीट थे ना गुलाब जामुन, तो वो मैंने खाए तो बहुत ही मज़ा आ गया। और अभी ना मुझे सुबह से एक DIY का आइडिया माइंड में है, तो चलिए वो करने जाते हैं। तो यहाँ पर ये सब क्लोथ्स भी आई थिंक सूख गए होंगे, तो वो भी फिर मैं ले लूँगी। लेकिन आई थिंक थोड़े से नहीं सूखे हैं, तो उसको थोड़ी सी देर लगेगी सूखने में। एंड ये है न्यू DIY सेटअप जो मैंने कल ही किया है। एंड आज मैं करने वाली हूँ DIY स्टिकर्स। तो उसके लिए चलिए सबसे पहले सारी चीज़ें ले लेते हैं। एंड यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी रख के रखा था, ये है चार्ट पेपर। मैं सोच रही हूँ, बहुत से लोगों ने कहा था कि पेंसिल कलर से ही कुछ सिर्फ कलरिंग करो, तो इसमें मैं ले रही हूँ सिर्फ ये पेंसिल कलर्स। तो सिर्फ मैं ये पेंसिल कलर्स की हेल्प से कलरिंग करूँगी, बाकी स्केच पेन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी। एंड यस, आउटलाइन के लिए ये एक ब्लैक पेन तो चाहिए होगी, तो ये है ये वाली ब्लैक पेन। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी नेल पेंट थोड़ी सी गंदी हो गई, तो वो मुझे रिमूव करनी है। एंड उसके बाद थोड़े दिन में कुछ नेल पेंट अप्लाई नहीं करने वाली। और एक्चुअली ना मेरे ये थंब का नेल थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, और इस हैंड का भी ऐसा ही कुछ हालत है, तो वो ना मुझे नेल्स इस बार क्लिप भी करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, सबसे पहले DIY के लिए रफ स्केच कर लेते हैं। मैं बनाने वाली हूँ बैक टू स्कूल DIY स्टिकर्स। एंड आई नो कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है DIY बैक टू स्कूल स्टिकर्स बनाने में, है ना। एंड हाँ, यहाँ पे ना जर्नल भी मैं लेके आई हूँ, लेकिन जर्नल से आई थिंक आज नहीं करूँगी मैं, जर्नल मैं कल करूँगी। वो क्या करूँगी शायद आपको पता चल गया होगा, तो वो मुझे कमेंट में बताना। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना थोड़े से डिफरेंट टाइप के स्टिकर्स करें, मतलब कि कवाई स्टिकर्स, क्योंकि ऐसे ही नॉर्मल बैक टू स्कूल स्टिकर्स तो मैंने बना लिए हैं बहुत बार, तो इस बार कुछ फॉर अ चेंज ऐसा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ले लेती हूँ स्टिकर शीट। ये है सेल्फ एडेसिव शीट, तो इसके ऊपर ही मैं हर बार स्टिकर्स बनाती हूँ। एंड ये सारे स्टिकर्स करके क्या आप गेस कर सकते हैं मैं कहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ? अगर आप गेस कर सकते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे ये सारी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के स्टिकर्स एंड जर्नल बनाने का मज़ा ही कुछ और आ रहा है ना। एंड आप लोगों ने अभी भी बहुत से डिफरेंट डिफरेंट जर्नल्स करने के लिए ये कही है डिफरेंट डिफरेंट थीम्स पर, तो वो भी हम ज़रूर बनाएंगे। वैसे मुझे तो कितना मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स इसमें, मतलब काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट हमें क्रिएटिविटीज़ करने को मिलती है ना जर्नल बनाने में। अरे हाँ, भाई तभी यहाँ पर ना मैं बहुत से डिफरेंट डिफरेंट स्टिकर्स के लिए ड्राइंग्स बना रही हूँ, जैसे कि मैंने बुक बनाई, फिर इस तरह से लिस्ट के लिए बनाया डायरी, एंड पानी का ग्लास बनाया क्योंकि वो भी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अभी और एक बुक बना रही हूँ, इसमें ये है बुकमार्क, फिर कलर पैलेट बनाई, ब्रश बनाया एंड पेंसिल बनाई और इरेजर एंड ये सब चीज़ें। एंड वैसे पहले मैं क्या सोच रही थी कि ये सारे स्टिकर्स का रफ स्केच बना के फिर मैं करूँ स्केच पेन से उसका कलरिंग, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि मैं पेंसिल कलर से, मीन्स ओनली पेंसिल कलर से कलरिंग करूँ किसी भी चीज़ का, मतलब अभी मैं जो भी बनाने वाली हूँ उसका। तो मैंने सोचा क्यों ना इन स्टिकर्स का ही कलरिंग सिर्फ पेंसिल कलर से किया जाए।
एंड मेरे साथ काफ़ी लोग, मैं जो जर्नल बनाती हूँ वो बनाते हैं, तो आई फील सो हैप्पी फॉर दैट। और स्टिकर्स भी, और इस बार भी अगर आप स्टिकर्स मेरे साथ बनाने वाले हैं तो कौन से बनाने वाला है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं बना रही हूँ बैक टू स्कूल थीम के स्टिकर्स, तो उसमें स्कूल बस कैसे रह जाती है। एंड अब मैं बना रही हूँ अलार्म क्लॉक। एंड फिर मैंने और एक बात भी सोची कि स्टिकर की जो थीम है वो क्यों ना मैं बीच में लिखूँ, जैसे कि ये बैक टू स्कूल थीम है तो बैक टू स्कूल। Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. वैसे आप DIY shorts आते हैं वो तो देखते हैं ना। और पहले तो मैं सोच रही थी कि सिर्फ 4-5 stickers बनाऊंगी एंड फिर वहाँ पर, मतलब जहाँ पर मुझे यूज़ करना है वहाँ पर मैं यूज़ करूँगी। लेकिन स्टिकर्स बनाते बनाते ऐसा लगा कि और भी आइडियाज़ माइंड में आ रहे हैं, तो मैं बनाती गई डिफरेंट डिफरेंट स्टिकर्स, जैसे कि स्कूल बैग है, सीजर है, दैन ये मैं डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बना रही हूँ। एंड आपको पता है मैं इसे फोल्डर्स में क्या रखती हूँ? हाँ, मैं इसे फोल्डर्स में क्राफ्ट पेपर्स रखती हूँ, फॉर्म शीट्स रखती हूँ और डिफरेंट डिफरेंट ऐसे शीट्स रखती हूँ एंड साथ में स्टिकर्स भी रखती हूँ। मतलब डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। एंड एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो वो भी मैंने बना लिया। और ऑफ कोर्स बैक टू स्कूल है तो बहुत सारी बुक्स तो बनती है एक साथ, ये तो फिर भी कम बुक्स मैंने बनाई है ना। तो मैंने फिर ट्रॉफी बनाई, कैलकुलेटर ये मैं बना रही हूँ, पाउच, एंड लास्ट में मुझे याद आया कि मैंने सब कुछ किया लेकिन पेन तो रह ही गई, तो फिर लास्ट में मैंने बना ली पेन एंड ये सब स्टिकर्स ओवर हो गए। फिर मैंने कर ली उन सब की आउटलाइंस एंड हम कलर करेंगे पेंसिल कलर से। लेकिन उससे पहले ना मैंने इरेजर से इरेज कर लिया जो पेंसिल की लाइनिंग्स दिख रही थी वो सब, एंड फिर स्टार्ट कर दिया कलरिंग करना। और मैंने इसमें पेंसिल कलर्स में एक और पेंसिल कलर भी ऐड कर दी थी, वो है सारी स्किन टोन वाले मेरे पास जो पेंसिल्स है, डिफरेंट डिफरेंट स्किन के टोन्स वाली पेंसिल्स है ना, उसमें से एक पेंसिल, वो मैंने मीडियम वाले सेलेक्ट की थी एंड वो मुझे पेंसिल में करनी थी एंड इसमें करनी थी, तो मैंने सोचा वो वाली भी एक ऐड कर ही लेते हैं। और मैंने जो पेंसिल स्टैंड ये स्कूल बस के लेफ्ट साइड बनाया है उसमें मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर पेंसिल्स ही की है, आई मीन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ही किए हैं, तो मतलब डिफरेंट कलर पेंसिल्स ही है। तो बस ऑलमोस्ट होने को आया है। एंड अभी आपको और अपकमिंग DIYs कौन से चाहिए वो मुझे ज़रूर बताना, तो वो मैं बनाऊंगी। एंड अभी कलरिंग हो गया है तो उन सब की और एक बॉर्डर कर लेते हैं, सो कर ली। वैसे मैं भी डिफरेंट डिफरेंट DIYs एंड पेंटिंग्स एंड वो सब करती जाऊंगी, लेकिन आपको पर्टिकुलर कौन सी चीज़ें चाहिए वो भी मुझे बताना। एंड ये हो गए हैं सारे स्टिकर्स, तो आपको कैसे लगे वो मुझे कमेंट में बताना। एंड मुझे तो वैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ये बैक टू स्कूल है, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैंने की है। फाइनली सारे स्टिकर्स रेडी हो गए हैं। एंड हर बार ना मैं एक सेलो टेप का पूरा कोट लगा देती हूँ, लेकिन जब मैं यूज़ करूँगी इन्हें तब मैं लगाऊंगी, अभी से मैं लगा के नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स साइज में डिफरेंस है ना, तो इसलिए। आपको ये सब स्टिकर्स कैसे लगे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये सारे कपड़े मैंने स्टैंड पर से ले लिए हैं एंड अब मैं इन सबको फोल्ड भी करूँगी, लेकिन उससे पहले मशीन ने दूसरी बार सारे कपड़े धो दिए हैं, तो वो मैं यहाँ पर सुखाऊंगी एंड उसके बाद इन सबको फोल्ड करूँगी। एंड इस ब्लॉग को आई थिंक यहाँ पर हम एंड कर देते हैं। तो कैसे लगा आपको ये ब्लॉग एंड कैसे लगे DIY स्टिकर्स? एंड इन स्टिकर्स का यूज़ करके मैं कल कुछ इंटरेस्टिंग बनाने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कि कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye!